हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंशिका आज वापस से आई हूँ आपके लिए एक कंपैरिजन वीडियो लेके। और ये कंपैरिजन वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये वीडियो मेरे फेवरेट एलोवेरा जेल के बारे में है, जिसको मैं आज कंपेयर करने वाली हूँ द न्यू एलोवेरा जेल जो कि लैक्मे ने लाया है। इसका नाम है एलो एक्वा जेल। तो मैं इन दोनों के बारे में आज आपको रिव्यू देने वाली हूँ, कंपेयर करने वाली हूँ दोनों को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, और हम सेम पता लगाएंगे कि बेस्ट एलोवेरा जेल इन दोनों में से कौन सा है। और हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करें अगर सबसे पहले इनके पैकेज के बारे में। तो पैकेज के लिए इसको कहूँ तो ये एक ट्यूब पैकेज में आता है और बहुत इजी टू यूज़ है। ये इस तरीके से ओपन होता है, बहुत इजीली हम जितना भी प्रोडक्ट चाहें, जैसे मैं बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट चाहती हूँ तो मैं उसको उतना ले सकती हूँ। और बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी। और अगर मैं इस लैक्मे वाले की बात करूँ तो ये टब में मिलता है मुझे। आई नो इट्स वेरी क्यूट, बहुत सुंदर है ये दिखने में, बट पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे ये टब पैकेजिंग आई डोंट लाइक। बिकॉज क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक तो ये ईजी टू कैरी नहीं होते, बिकॉज क्या होता है कि आप देखो ट्यूब होगा, ट्यूब आप फटाफट से निकाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो और वापस रख सकते हो। इसमें क्या होता है कि इसके गिरने के चांसेस हो सकते हैं। प्लस क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो टब में होता है वो ये होता है कि क्या होता है, जब आप इससे प्रोडक्ट लेते हो और अगर इफ़ योर हैंड्स आर नॉट क्लीन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, योर हैंड शुड बी क्लीन। अगर आपके हैंड्स क्लीन नहीं हैं तो अगर आप डायरेक्टली उसको प्रोडक्ट को टच करते हो तो पूरे प्रोडक्ट को कंटामिनेटेड कर सकते हो। और वो प्रोडक्ट में अपने हैंड्स में कितने सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि दैट आर वेरी हार्मफुल, तो अगर हम उनको डायरेक्टली टच करते हैं तो हमारा पूरा प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। तो इसमें यही प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि अगर हमने बाय चांस इसको अपने डर्टी हैंड से यूज़ किया तो हमारा पूरा प्रोडक्ट कंटामिनेटेड हो सकता है। तो फॉर द पैकेजिंग आई डोंट थिंक कि टब इज़ बेटर देन ट्यूब, बिकॉज दिस इज़ वेरी हैंडी। अगर हम और बात करते हैं सेकंड इसके प्राइस के बारे में, तो मैं बताऊँ ये आता है एलोवेरा जेल जो कि सिर्फ 80 रुपीज़ का है और ये हमें मिलता है 150 ml 80 रुपीज़ का है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये सिर्फ 50 ग्राम्स है जो कि हमें मिल रहा है 200 रुपीज़ का। तो अगर मैं प्राइस की बात करती हूँ तो यार दैट इज़ वेरी मच अफोर्डेबल, क्योंकि एलोवेरा जेल का बेसिक जो काम होता है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करना होता है, आपकी स्किन को स्मूथ करना होता है। तो उस हिसाब से अगर मैं सोचूँ तो यार इसका प्राइस मच 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 बेटर है, ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है। फिर अगर मैं बात करती हूँ अगर एलोवेरा जेल के बारे में, तो हम इन दोनों के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूँ तो इसमें लिखा है 90% घृत कुमारी, दैट इज़ एलोवेरा जेल। और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो इसमें लिखा हुआ है, या आई शुड चेक द पैकेज, इसमें लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स में कि इट हैज़ कैस्टर ऑयल, इट हैज़ एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन, सो मैनी थिंग्स आर देयर। ऑब्वियसली आई नो दैट कि जो नॉर्मल एलोवेरा जेल होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर ये कह रहा है कि, जैसे पतंजलि कह रहा है कि इसमें सिर्फ एलोवेरा जेल है, 90% एलोवेरा जेल, अपार्ट फ्रॉम दैट इसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, नथिंग हैज़ बीन मेंशन, तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी। बिकॉज उन्होंने कलर भी ऐड किया है डेफिनेटली, क्योंकि एलोवेरा जेल ट्रांसपेरेंट होता है, और प्रिजर्वेटिव भी होंगे इसमें डेफिनेटली, बट दे हैव नॉट मेंशनड एनी ऑफ दीज। बट मुझे लैक्मे की एक चीज़ इस चीज़ में बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने एटलीस्ट मेंशन किया है कि व्हाट प्रोडक्ट्स दे हैव यूज्ड। और मैंने बाकी इंग्रेडिएंट्स भी इसके चेक किए हैं दैट आर नॉट हार्मफुल फॉर अवर स्किन दैट आई हैव चेक्ड, और इन्होंने भी कुछ कलर्स मिलाए हैं दैट आर प्लांट एक्सट्रैक्ट। तो आई हैव चेक कि ये दिस इज़ नॉट हार्मफुल फॉर अवर स्किन। अब मैं अगर बात करती हूँ इसके टेक्सचर के बारे में, तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ लैक्मे के एलोवेरा जेल के टेक्सचर के बारे में। तो यू कैन सी दैट इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट, आई विल लेट यू शो, वेरी ट्रांसपेरेंट टेक्सचर। और इसका काफ़ी ये देखिए, मैंने इसको अप्लाई किया, इफ़ यू कैन सी दैट
बहुत ही मैटिफाइंग टेक्सचर है इसका, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है, क्योंकि मैंने एलोवेरा जेल को यूज़ किया है, आई हैव यूज्ड एलोवेरा जेल, तो मुझे पता है कि एलोवेरा जेल का जो टेक्सचर है वो इससे कई गुना ज़्यादा हैवी लगता है फेस पे एज़ कम्पेयर टू दिस, बिकॉज आई हैव यूज्ड दिस ऑल्सो एंड आई हैव यूज्ड एलोवेरा जेल ऑल्सो. तो अगर मैं ये कहूँ तो ये काफ़ी जल्दी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है, प्लस एक मैटिफाइंग फिनिश देता है. और जो कि मैं इस वाले अगर पतंजलि के एलोवेरा जेल की बात करूँ तो इस एलोवेरा जेल में नॉट दैट मच ऑफ मैटिफाइंग फिनिश, और प्लस दूसरी चीज़ ये इतना जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है स्किन में, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है एब्जॉर्ब होने में. तो एज कम्पेयर टू लैक्मे वन, दिस इज टेकिंग मोर टाइम फॉर एब्जॉर्बिंग दिस टू एब्जॉर्बिंग द कंटेंट द प्रोडक्ट इन टू अवर स्किन. अब मैं अगर बात करती हूँ कि इस जो प्रोडक्ट इसके बारे में, तो मुझे मतलब मैंने इसको नाइट में भी यूज़ किया, इसको भी नाइट में यूज़ किया और इसको भी नाइट में यूज़ किया. इसका जो कूलिंग इफ़ेक्ट और हाइड्रेशन है, जो हाइड्रेट आपकी स्किन को करता है, वो काफ़ी गुना ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू दिस, बिकॉज ये मुझे उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगा फॉर द पर्पस ऑफ हाइड्रेशन. क्योंकि क्या होता है, देखो मेरी ऑयली स्किन है, आई हैव अ वेरी ऑयली स्किन, तो मैं मतलब मैंने जब इसको यूज़ किया तो I was not feeling that much of hydration in on my face जितना मैं इसमें फील कर पाती हूँ. तो डेफिनेटली अगर मैं ये कहूँ कि ये जो है, ये मैं अपने मॉइस्चराइजर और नाइट क्रीम किसी के तरह भी इसको यूज़ कर सकती हूँ, बट इसमें वो केस नहीं है. बट ये इतना ज़्यादा लाइट वेट है, प्लस इसका जो टेक्स्चर है वो बहुत ज़्यादा मतलब मैट है. मैं इसको अभी बहुत सारे आपने मार्केट में वीडियोस देखे होंगे ना, जिसमें बोला जाता है कि एलोवेरा कैन बी यूज्ड एज प्राइमर. तो अगर आप मुझे कंपेयर करने को बोलोगे ना इन दोनों के बेसिस, इन दोनों को ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमर कि कौन सा बेटर रहेगा, तो आई विल गो फॉर दिस. दिस विल एक्ट एज अ वेरी गुड प्राइमर, बहुत अच्छा प्राइमर के जैसे काम करेगा. ये उतना अच्छा प्राइमर मेरे हिसाब से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो नहीं है. तो एट लास्ट आई कैन से दैट कि अगर आपको जो एलोवेरा जेल की जो बेसिक उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर आपको वो लेके चलनी हो अपनी स्किन पे, अगर चाहते हो कि वो प्रॉपर्टीज़ आप मतलब फुलफ़िल कर पाओ, तो यू हैव टू गो फॉर दिस एलोवेरा जेल. एंड अगर आप एक बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राइमर प्लस बहुत ही मतलब कह सकते हो आप चीप मार्केट में जो सबसे अभी मार्केट में प्राइमर्स जो अवेलेबल हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो उस हिसाब से अगर मैं इसको प्राइमर के जैसे यूज़ कर रही हूँ तो बहुत सस्ता है. इट इज़ ओनली फॉर 200 रुपीज़, लेकिन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस एज अ प्राइमर. तो बहुत अच्छा प्राइमर है, यू कैन यूज़ दैट. एंड येस, मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है. एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट. Please subscribe my channel, stay perfectly imperfect. And yes, please bell icon को जरूर दबाना ताकि आप ऐसे अच्छे अच्छे videos को miss ना करो. And yes, believe in the philosophy of loving yourself. Bye-bye.